973 धर्मपुर पत्र संप्राप्त थयुं अत्र समाधि छे। अकस्मात शारीरिक असातानो उदय थयो छे ने ते शांत स्वभावथी वेदवामां आवे छे एम जाणवामां हतुं ने तेथी संतोष प्राप्त थयो हतो। समस्त संसारी जीवो कर्मवशात साता असातानो उदय अनुभव्या ज करे छे, जेमा मुख्यपणे तो असातानो ज उदय अनुभवाय छे। क्वचित अथवा कोई देह संयोग में सातानो उदय अधिक अनुभवातो जणाय छे, पण वस्तुताए त्यां पण अंतरदा बढ़िया ज करतो होय छे। पूर्ण ज्ञानी पण जे असातानो वर्णन करी शकवा योग्य वचन योग धरावता नथी तेवी अनंत अनंत असाता आ जीवे भोगवी छे, ने जो हजू तेना कारणोनो नाश करवामां न आवे तो भोगवी पड़े ए सुनिश्चित छे। एम जाणी विचारवान उत्तम पुरुषो ते अंतरदारूप साता अने बाह्य अभ्यंतर संक्लेश अग्निरूपे प्रज्वलित एवी असातानो आत्यंतिक वियोग करवानो मार्ग गवेशवा तत्पर थया, ने ते सन्मार्ग गवेशी प्रतीत करी तेने यथायोग्यपणे आराधी अव्याबाद सुख स्वरूप एवा आत्माना सहज शुद्ध स्वभावरूप परमपदमा लीन थया। साता असातानो उदय के अनुभव प्राप्त थवाना मूळ कारणोने गवेशता एवा ते महत्पुरुषोने एवी विलक्षण सानंद आश्चर्य वृत्ति उद्भवती કે સાતા કરતા અસાતાનો ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે ને તેમાં પણ તીવ્રપણે તે ઉદય સંપ્રાપ્ત થયે તેમનું વીર્ય વિશેષપણે જાગૃત થતું ઉલ્લાસ પામતું ને તે સમય કલ્યાણકારી અધિકપણે સમજાતો। કેટલાક કારણ વિશેષને યોગે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય ઔષધ આદિ આત્મમર્યાદામાં રહી ગ્રહણ કરતા, परंतु मुख्यपणे ते परम उपशमने ज सर्वोत्कृष्ट औषध रूपे उपासता।